जिस दिन ये बिल पास होगा उस दिन देखिएगा खूब चर्चा होगी। फिर भी जनवरी तक मान करके चलिए, उसके बाद जो है गजट जारी होगा, एनआईटी एलएट को घोषित किया जाएगा कि कहाँ लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है। और उस जब आ जाएगा सब कुछ, फिर केंद्र सरकार जो अपनी योजनाएं लेकर आने वाली है वो सब भर्तियां शुरू होंगी। और जब शिक्षा मित्र का जहाँ होने लगे समझ जाइएगा आप लोग का भी शुरू हो गया, क्योंकि हाँ ये तो एनटीटी सही है। को भी हाँ प्री प्राइमरी में लेना है, एनएसडी एलेट को भी प्री प्राइमरी में लेना है, जो तो शिक्षा मित्र शिक्षा टेट मित्र पास जो समायोजन है। हाँ जो टेट पास नहीं है उनको भी प्री प्राइमरी में लेना है, आंगनबाड़ी को अच्छा ही प्री प्राइमरी बनाया जा रहा है, तो जहाँ कहीं आंगनबाड़ी का जिक्र हो, प्री प्राइमरी का जिक्र हो, बाल वाटिका का जिक्र हो, एनटीटी का जिक्र हो, शिक्षा मित्र का जिक्र हो, एनएसडी एलेट भी वहाँ पर शामिल रहेगा। पहले आपसे पूछा था तो पहले आपने जब बताया था कि दिसंबर के समथिंग हो जाएगा, ये तो जो दिसंबर में बात चल रही है मेरी सर आपसे। हाँ अभी तक हम लोग एनसीटी की बातें करते थे ना, ये किसी को पता था कि एनसीटी ही भंग हो जाएगा, नया हाँ आयोग नहीं है, ये बात नहीं थी, ये बात तो तो करी नहीं अंदर थी। क्या चल रहा है वो तो जब हाँ सामने आएगा तब ना कुछ क्लियर होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, हेलो हेलो हाँ हेलो, हेलो सर, नमस्ते हाँ नमस्ते। सर। मैंने दूसरे नंबर से मतलब कॉल किया आपको, आप मेरा उठा नहीं रहे थे, वॉइस कॉल की थी मैंने अभी। तो व्हाट्सएप पे कॉल नहीं रिसीव करते हैं, इस पर करना चाहिए था ना नंबर पर। अच्छा हाँ, तो मैंने दूसरे नंबर से अभी ट्राई किया, उस पर मेरे में बैलेंस नहीं था, तो चलिए इस कोई वजह बात से। नहीं, हाँ तो सर मैं उसकी पूछ रही थी, ये एनआईडीएलएड है ना, तो एनसीटी से अप्रूव्ड है ये, तो अब हाँ जो एचईसीआई जो आने जा रहा है, तो इसके मतलब फिर इसके आने के बाद जैसे कि इसको लिया जाएगा एनआईएसडीएलएड को। अभी आज ही हमने एक ऑडियो डाला है भाई साहब से, इसी पर काफी चर्चा हुई थी, वो आपने लग रहा है ऑडियो नहीं सुना पूरा। नहीं सर, आज का ऑडियो नहीं देखा है मैंने। तो पर डे जो है एनआई डिलेट का या अन्य जो भी डाला जाता है, समय निकाल कर थोड़ा सा सुन लेंगी ध्यान से, तो शिक्षा विभाग को समझने लगेंगे, हर चीज समझ में आने लगेगा, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड जो भी हो रहा है, एक बार समझने का प्रयास करेंगे तो पूरा का पूरा जो है सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो जो है उसमें डिटेल में चर्चा हुई है, ये एनआई डीएलएड जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसकी वजह से अभी फिलहाल चर्चा में है, और ये पूरी तरह से वैलिड है। दो चीजें होती हैं, हम हमेशा जब भी किसी से बात हुई हमने हमेशा एनआई डीएलएड वालों को बताया है कि कोई भी कोर्स करने के लिए जो संस्था बनाए गए उनसे अप्रूवल लेना होता है कोर्स कराने के लिए। जैसे कोई भी स्कूल अच्छा खोल रहा है और वो चाहता है कि हाई स्कूल की पढ़ाई कराए, तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देना है, उसे पढ़ाई कराना है, तो उसको यूपी बोर्ड से या फिर सीबीएसई से किसी न किसी से अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, तो ऐसे जी ही ये जो डीएलएड है, एनआई डीएलएड है, बीएड है, बीटीसी है, इसके लिए एनसीटी से अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, तो जो एनआईएस है वो डीएलएड कराने के लिए एनसीटी से अप्रूवल लिया था, अप्रूवल ले अच्छा करके तब ये कोर्स कराया गया है, तो ये कोर्स अच्छा तो कहीं से इनवैलिड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्स को कुछ कहा ही नहीं है। ये तो अखबार वाले छाप रहे हैं ना कि पूरे देश से बाहर, और अखबार वाले तो क्या क्या छापते रहते हैं जानती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर आता है तो अपनी आंखों से पढ़िए क्या लिखा है, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कोर्स पूरी तरह से वैलिड है, वैलिड था और वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चाहे एनसीटी रहे ना रहे, चाहे कोई भी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोर्स वैलिड था, वैलिड है और वैलिड रहेगा। अब बात आती है कि कोई भी भर्ती में जो है क्या कौन कौन सी भर्तियां हैं और क्या क्या उसके रूल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पर लिया जाता है। तो अभी जो है ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें एनआई डीएलएड को वैलिड किया गया हो कि ये भी लोग इसमें लिए जाएंगे, तो अभी तक भर्ती से संबंधित ऐसा कोई नियम नहीं बना जिसमें एनआई डीएलएड को शामिल किया गया है, ऐसा कोई नियम नहीं बना है जिसमें क्लियर किया गया हो कि 18 महीने का ये भी कोर्स जो है वैलिड रहेगा। जो भी बना है 2 साल के लिए बना है, 18 महीने के लिए कोई नहीं बना है, तो कोर्स वैलिड है, एनसीटी रहे या न रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस वक्त ये कोर्स कराया गया उस वक्त एनसीटी था और
अप्रूवल देने का उसके पास पावर था, उसने अप्रूवल दिया, तब एनएसडीएल जो एनआईएस ने कराया और पूरी तरह से ये वैलिड है। अब जब एचसीआई नया आयोग बनने जा रहा है, एनसीटी, यूजीसी और एआईसीटी, ये तीनों खत्म हो जाएंगे, तो अब जो है नए नए नियम ये बनाएगा। चूंकि एनसीटी के पास लिमिटेड पावर थे तो जो है बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता था। अब जो है एचसीआई नया बन रहा है तो इसको पावर दिए जाएंगे, तो ये नए नए सारे नियम बनाएगा। और एनआईएस डिलेड हम लगातार बताते ही रहते हैं, सुनी ही हैं, जानती हैं, पहले हाँ भी हाँ बात सर हुई है। बताते हैं। प्री प्राइमरी में जो है लेने के लिए प्लानिंग है, तो अब वो धीरे धीरे से सामने आएगा क्रमशः। तो अच्छा पहले भी हर चीज़ पर डिटेल चर्चा हुई है, फिर इतना कंफ्यूज क्यों रहती हैं? नहीं सर, ये जो मतलब इसलिए पूछ रही थी, जैसे कि एचईसीआई ये आया है ना, तो एनसीटी से ये अप्रूव्ड है एनआईएस डिलीट, तो इसलिए मैं पूछ रही थी शायद ये अब ये नया आ रहा है तो इसको हटा नहीं दिया जाए। ऐसा कुछ हाँ नहीं सर होगा। जो जिस समय, जैसे कि पहले एनसीटी जब नहीं था तब यूजीसी देखता था, तो जब यूजीसी से जो है सारी चीज़ों को लेकर के एनसीटी को दे दिया गया, एनसीटी बना दिया गया, तो जो लोग यूजीसी से किए तो वो भी उस वक्त वैलिड हैं, आज भी वैलिड हैं, सब कुछ हो रहा है। ये तो समय के साथ अच्छा परिवर्तन बहुत सारे होते रहते हैं। तो ये एक टाइम था यूजीसी सब देखता था, फिर यूजीसी से जो है सारा चीज़ दे दिया गया एनसीटी बना करके, एनसीटी को अब जो है एक एचसीआई बना रहे हैं, ये पूरा देखेगा। एनसीटी का भी सारा काम इसके पास रहेगा, यूजीसी का भी सारा काम इसके पास रहेगा, एआईसीटीई का भी सारा काम इसके पास रहेगा। तो ये एक अलग से नया आयोग बना दिया जा रहा है, और इसमें अलग अलग ब्रांचेज होंगे या जैसे भी होगा वो अपना मैनेज करेगा बस, और कुछ खास नहीं बदल रहा है। सारी चीज़ें जैसे चल अच्छा रही थी वैसे ही चलेंगी, जब नए नए रूल बनेंगे तो वो चीज़ें और लागू होती चली जाएंगी। तो एनआईएस डीलेट के लिए अभी तक कोई रूल बनाया नहीं गया कि वो कौन से भर्ती में लिया जाएगा। प्राइमरी में देख रही है विवाद हो गया, जहाँ कहीं लिया भी जा रहा था तो वो बाहर हो गया। हाँ विवाद हो रहा है तो हम तो हमेशा कहें, आप सुनी होंगी कि भाई जहाँ भी लिया जा रहा, हम हमेशा कहें कि वो बिना नियम के ले रहे हैं, तो वो बाहर हो ही जाएंगे। और देख लीजिए केवीएस भी अपने रिजल्ट से बाहर कर रहा है, अन्य राज्यों को भी बाहर करना पड़ रहा है। तो वो तो रूल में जब था ही नहीं, मनमाना कर रहे थे लोग, जबरदस्ती जो है जा जा के हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आ रहे थे। और हम हमेशा कहें कि हाई कोर्ट का ऑर्डर मतलब रद्दी कागज होता है, क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताया आएगा, था आपने। हाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो हाई कोर्ट का ऑर्डर या तो वही सेम होगा, तब तो हाई कोर्ट का ऑर्डर जैसे चल रहा था चलता रहेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ऑर्डर के विपरीत दे दिया तो हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्दी हो गया। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर तब तक रद्दी होता है जब तक सुप्रीम कोर्ट भी सेम ऑर्डर न दे दे। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई गया ही नहीं तो हाई कोर्ट का ऑर्डर का वैल्यू है, यानी कि कोई भी मैटर नीचे के कोर्ट से फाइनल हुआ, जजमेंट आया और फिर ऊपर के कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, तो चैलेंज होते ही वो ऑर्डर रद्दी हो जाता है, क्योंकि अब ऊपर के कोर्ट में चैलेंज है, अब उसे डिसाइड करना है। तो अच्छा जो भी ऑर्डर आया है उसमें कुछ भी नया नहीं है। लोग जो है, जो अखबार वाले छाप रहे हैं, फेसबुक पे लोग लिख रहे हैं, उसकी वजह से नेगेटिव हो रहे हैं। एनआईएस डिलेट को पहले भी कहीं नहीं लिया जा रहा था और अभी भी कहीं नहीं लिया जा रहा है। उसका कारण है कि कोई रूल इस तरह का बनाया ही नहीं गया है। जो राज्य ले भी रहे थे वो अपने मर्जी से ले रहे थे, बिना रूल के ले रहे थे, तो उनको एक तरह से रोक दिया गया बस, कि भैया तुम जो है बिना रूल के चल रहे हो। अब जब एचसीआई ये बन जाएगा तो ये नए नियम बनाएगा सारे, इसके पास पावर होगा, ये जो है नए नए गजट जारी करेगा। तो अब ये एनआईएस डीलेट के लिए भी गजट जारी करेगा, जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है वो सब ये करेगा, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही एचसीआई बनाया जा रहा है। तो वेट कीजिए, बस बिल पास होने जा रहा है। आज 4 तारीख, आज पहला दिन था संसद सत्र का, देखी होंगी। अब हाँ जो सर, है 23 तक चलेगा, इसी बीच में बिल ये पास हो जाएगा। हाँ आपने 4 दिसंबर से ही बताया था ना, हाँ, तो आज 4 दिसंबर है। नई बिल पास होंगी। तो आज 4 दिसंबर है ना, आज से जो है संसद सत्र आरंभ हो गया। टीवी खोल लिया कीजिए, राज्यसभा लोकसभा टीवी है कि नहीं आपके टीवी में, आता है कि नहीं ये चैनल, हाँ सर है ना? टीवी है ना घर में, है जी। देखते हैं कि नहीं? हाँ सर देखते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, बस तो कभी टाइम कभी देखते टाइम हैं। नहीं मिलता है, लेकिन खोल लिया कीजिए। तो न्यूज देखती हैं या गाने वाने, सी टीवी सीरियल वगैरह, सास बहू ये सब देखती हैं? नई न्यूज वगैरह ही देखते हैं। अरे देखती होंगी, गाने वाने भी देखती होंगी। खैर, तो न्यूज भी देख लिया कीजिए, और
क्या है ये डीटीएच वाला है या वो मंथली महीना पे करने वाला है, कौन सा है? मंथली वाले ये सर। मंथली वाला है तो उसमें भी सारे चैनल आते हैं, जो फ्री वाला डीटीएच है उसमें भी सारे चैनल न्यूज के आते हैं। तो जो भी है उसमें दो चैनल हैं, लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी, इनमें जो है हाँ लोकसभा राज्यसभा के जो है जो भी वहाँ पर चलता रहता है वो सब दिखाया जाता है। तो अब जैसे आपको जानकारी हुआ कि हाँ संसद सत्र जो है स्टार्ट हो रहा है, संसद बैठने जा रहा है, तो उस दिन खोल कर देख लीजिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, आपके काम का हर वक्त नहीं वहाँ पर चल रहा होगा, लेकिन एक बार खोल के देख लेंगी तो आपको जानकारी में रहेगा कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, चल रहा है संसद वहाँ पर। हाँ सर, कभी कभी देख लेते हैं, डेली नहीं देख पाते। और नहीं देख पाते तो फिर मोबाइल वगैरह में अपडेट आप देते रहते हैं ना, तो उससे भी पता लगता रहता है। और वैसे न्यूज़ 18 इंडिया चैनल है तो उस पर देख लेते हैं, उस पर मतलब कोई अपडेट तो वगैरह आती है। हाँ, तो जो भी अपडेट्स अभी देखिएगा, जिस दिन ये बिल पास होगा सारे चैनल वाले सारे अखबार वाले खूब इसी पर चर्चा कर रहे होंगे। अभी तो सन्नाटा है ना, अभी किसी टीवी चैनल पर किसी अखबार में इसकी चर्चा नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं। जिस दिन ये बिल पास होगा उस दिन देखिएगा खूब चर्चा होगी। जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं तो चर्चा खूब हो रही है, जिस वक्त जो चल रहा होता है उसी की चर्चा होती है। तो बस इंतजार कीजिए उस दिन का, जिस दिन अखबार में भी आएगा टीवी पर भी आएगा, इसी HECI इसी का जिक्र हर जगह होता रहेगा। अच्छा तो अब वो पूरा जो है फोकस कीजिए HECI पर, यही आप लोग का अच्छा कल्याण करेगा। तो सर जैसे ये आप प्री प्राइमरी में बताते हैं, तो ये जैसे कि कब तक होगा फिर हमारा? देखिए एग्जैक्टली क्या चीज कब होगा ये तो वहाँ जो बैठा हुआ डिसाइड कर रहा है उसे पता है, ये हम बार बार हर किसी से कहते हैं। हाँ, हम लोग जो है जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं उसका लमसम जानकारियों के आधार पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें होनी हैं तो कौन सा काम पहले होगा कौन सा बाद में ये सब तो नहीं पता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है होना सब है। तो जब ये HECI जो है बिल पास हो जाएगा, मान लेते हैं कि 15 तारीख तक या 10 तारीख तक या 20 तारीख तक पास हो जाता है, तो फिर इसमें जो है सदस्यों का चयन होगा, अध्यक्ष चुने जाएंगे, अन्य भी सदस्य चुने जाएंगे, इसमें भी सब कुछ होगा। तो ये प्रक्रिया होने में मान कर चला जाए कि महीना भर लग जाएगा, तो जनवरी को ले लीजिए पूरा पूरा। तो दिसंबर जनवरी तो इसमें जाने वाला है। इसके बाद जब गठन हो जाएगा, सारे सदस्य चुन लिए जाएंगे, उनकी मीटिंग होगी और फिर नए नए गजट जारी होने लगेंगे। वैसे जब ये नया बन रहा है आयोग, तो बिल में ही सारा जिक्र किया गया होगा इसके पास क्या क्या पावर होंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है समय नहीं लगने वाला है, बिल में ही सब कुछ लिखा होगा। तो कुल मिलाकर के दिसंबर जनवरी इतना वेट करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा और तेज़ी से काम हो, जल्दी भी हो जाए, खैर फिर भी जनवरी तक तो मान करके चलिए। उसके बाद जो है गजट जारी होगा, NIT एलिट को घोषित किया जाएगा कि कहाँ लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है। और उस जब आ जाएगा सब कुछ, फिर केंद्र सरकार जो अपनी योजनाएं लेकर आने वाली है वो सब भर्तियां शुरू होंगी। तो बहुत सारी चीजें होनी है। अभी तो मूल समस्या जो है BEd का है, NIT/DELED तो सरकारी नौकरी में लिए ही नहीं जा रहे थे अभी फिलहाल, वो तो विवादित था ही, लेकिन BEd तो लिया जा रहा था, उसका जो है गजट रद्द हो गया, वो वहां पर मैटर फंस गया है। तो पहले तो काम इसी पर होगा BEd वालों का, शिक्षा मित्र का मैटर पुराना है, शिक्षा मित्र पर काम होगा, तो पुराने मैटर पहले क्लियर किए जाएंगे। और जब शिक्षा मित्र का जहाँ होने लगे समझ जाइएगा आप लोग का भी शुरू हो गया, क्योंकि उनका भी प्री प्राइमरी में होना है जो टेट पास नहीं है, और आप लोग का भी प्री प्राइमरी में होना है। तो शिक्षा मित्र, NTT, NIT/DELED ये लगभग एक साथ ही होंगे, इस पर नजर रखिएगा। इन तीनों में से कोई नाम सुनने को मिले कि कुछ हो रहा है समझ जाइएगा कि आपसे भी संबंधित है वो। मतलब एक साथ ही होंगे तीनों, मतलब थोड़ा हाँ, थोड़ा उसका टाइम NTT को भी लगेगा। प्री प्राइमरी में लेना है, NIT/DELED को भी प्री प्राइमरी लेना है, जो तो शिक्षा मित्र शिक्षा टेट मित्र जो पास समायोजन जो है। टेट पास नहीं है उनको भी प्री प्राइमरी में लेना है। आंगनबाड़ी को ही प्री प्राइमरी बनाया जा रहा है, तो जहाँ कहीं आंगनबाड़ी का जिक्र हो, प्री प्राइमरी का जिक्र हो, बाल वाटिका का जिक्र हो, NTT का जिक्र हो, शिक्षा मित्र का जिक्र हो, NIT/DELED भी वहाँ पर शामिल रहेगा। बस यह है कि कभी किसी का नाम लिया जाएगा, कभी किसी का नाम लिया जाएगा, लेकिन आप रिलेट करते रहिएगा, समझते रहिएगा सारी चीज़ों को। ठीक है, अभी आपने NIS से रिलेटेड भी ऑडियो डाला था ना, तो देखा था, तो आपने बताया था ये न्यू जो सेशन आ रहा है इसमें वैकेंसी आएंगी, ऐसा कुछ बताया था आपने। हाँ तो इसीलिए मैं पूछ रही थी। तो बस अपडेटेड रहिए, और जो कुछ भी चल रहा है
वो देखते रहिए। और अभी टेस्ट फिलहाल वगैरह भी कराया जाएगा इसमें, ये डेमो इंटरव्यू से ही हुआ। पढ़ाई से तो परहेज बिल्कुल है, मत सोचिए कि जो है पढ़ाई से कहीं बचना है, पढ़ाई करते रहिए, नहीं, होगा पढ़ाई तो तो करते रहते हैं सर, हाँ परहेज कुछ नहीं है, लेकिन आपसे पूछना चाह रही हूँ हाँ तो वही कि है कि अगर इसमें होता मतलब है तो दे दीजिएगा, नहीं होगा तब तो और अच्छी बात है, बिना दिए कुछ हो जा रहा है। तो अभी तो फिलहाल एनआईडी लेट के लिए या प्री प्राइमरी के लिए कोई भी टेट का जो है घोषणा हुआ नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि वहाँ भी प्री प्राइमरी में भी टेट अनिवार्य रहेगा, तो आगे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, पहले आपसे पूछा था तो पहले आपने जब बताया था कि दिसंबर के समथिंग हो जाएगा, ये तो जो दिसंबर में बात चल रही है अभी मेरी तक सर हम लोग आपसे। एनसीटी की बातें करते थे ना, ये किसी को पता था कि एनसीटी ही भंग हो जाएगा, नया हाँ, आयोग है, नहीं ये बात नहीं थी, ये बात तो तो करी नहीं अंदर थी। क्या चल रहा है वो तो हाँ जब सामने आएगा तब ना कुछ क्लियर होगा। हम लोग तो जो सामने है उस पर बात करते हैं ना। हाँ जो सामने आता जाता है तो आप बताते जाते हैं। हाँ तो ये देखिए ना कि जो चीजें आती जा रही हैं, अपडेटेड जो है न्यूज मिलते जा रहे हैं आपको, अपडेट आप हो रही हैं, तो जो नया आ जाए फिर अब उस पर फोकस कीजिए, पुराना जो पीछे होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, उस पर फोकस ना कीजिए, जो आगे देखता है वही आगे बढ़ता है, तो अब जो है और सर फोकस कीजिए अभी एचईसीआई। अभी जो मतलब हम जो देख रहे हैं ना आपका ऑडियो, अभी तक तो हमारे ग्रुप में मतलब 46 मेंबर थे, उसमें से घटते घटते उतने रह गए, 25 रह गए। कहाँ पर? तो पता, हमारा जो ग्रुप है आपके में ऑडियो वगैरह देखते रहते हैं, सुनते हैं। नहीं, आपका बनाया कोई ग्रुप है या हमारे किसी नहीं ग्रुप की बात? नहीं आपको ही सब्सक्राइब किया हुआ है, मैंने ही तो बताया था उनको, टेलीग्राम पर या कहाँ? ये यूट्यूब पर भी और उस पर भी बहुत टाइम से देख रहे थे, तो नहीं, वो आपने कहा मुझसे 46 थे, घट गए हैं, कम हो गए हैं, तो आप ये कहाँ पर देख रहे हैं? व्हाट्सएप पर तो एनआईडी लेट का कोई अलग से तो है नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं है, यूट्यूब पर आपकी ऑडियो सुनते थे। अच्छा, यूट्यूब पर एनआईडी लेट कम से कम जो है 5,000 लोग हैं एनआईडी लेट, आज जो है एनआईडी लेट के जो वीडियो हमने डाला है तो आज जो है कम से कम 200 नए लोग आए हैं एनआईडी लेट वाले। एनआईवी से रिलेटेड नहीं है, कोई बीएड वाले हैं, कोई जो कुछ है आप मतलब बताते हैं जानकारी, तो कुछ आप किसी एनआईवी वाले व्हाट्सएप भी ग्रुप हैं। की बात कर रही होंगी, किसी व्हाट्सएप हाँ ग्रुप तो में आप होंगी, तो वहाँ पर जो है कुछ सदस्य जो है लीव किए होंगे, तो आप वहाँ की बात कर रही हैं, तो व्हाट्सएप पर 135 ग्रुप हैं, आप जिस ग्रुप में नहीं, होंगी। वो वाला ग्रुप नहीं कह रही मैं सर, वो तो टेलीग्राम पर, वो तो मुझे पता है कितने का ग्रुप है। हमारा जो ग्रुप है खुद का टीचर्स का, तो अच्छा उसमें बता रही हूँ आपका फोर्टी आपका सिक्स अपना ग्रुप, हाँ, तो अच्छा वो 46 से 25 इसलिए रह गए सर, वो कह रहे थे कि मैम आपने इतना बता दिया, अभी तक कुछ हो नहीं रहा कुछ, लेकिन मेरी उम्मीद अभी तक टूटी नहीं है उनकी, नहीं 25 लोग अभी उनको तक उनको ऐसे हैं। बताया ना कीजिए ना, आप जो है चैनल पर जो रोज अपडेट दिया जा रहा है उनको जो है वो वीडियो दिया कीजिए, उनको कहिए यहाँ पर सब कुछ बताया जाता है, जो भी नया आ रहा है यहाँ सुनते रहिए भाई। हाँ सुनते रहिए, लेकिन सर वो मतलब चैनल तो सब्सक्राइब किए हुए हैं, लेकिन वो अब ऑडियो देख नहीं रहे, 25 जो लोग हैं वो अभी तक देख रहे हैं, उनको उम्मीद है, और वो उन्होंने अपना धीरज खो दिया है, उन्हें धैर्य चलिए, नहीं है अभी पॉजिटिव तक। नेगेटिव तो ये ह्यूमन नेचर है, लोग होते रहते हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो नेगेटिव वो नेचर के कहते हैं होते कि हैं। कब होगा, कब कितना टाइम लगेगा, मैं उनको इतना बताती भी हूँ, तो फिर वही है, फिर तो जितने अपने लोग अपना वो हैं है सर सबका। जितने भी लोग हैं तो उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो मैरिड होंगे, उनके बच्चे भी होंगे होंगे ना, ऐसे कुछ हाँ हाँ सर, उनसे रोज एक सवाल किया कीजिए, आपके बच्चे का शादी कब होगा, रोज पूछा कीजिए, उनका मैं बच्चा उनसे किसी न बात नहीं किसी करती हूँ। मेल हो फीमेल हो हम ये नहीं कह रहे हैं, जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनसे रोज अगर एक सवाल किया जाए, उनका बच्चा चाहे 3 में पढ़ रहा हो, 4 में पढ़ रहा हो या अभी जन्म लिया हो, उनसे रोज अगर एक ही सवाल किया जाए शादी कब करेंगे कब करेंगे, उनका क्या जवाब होगा? जब उम्र होगी जब नहीं समय होगा तभी ना कि यही जवाब होगा ना उनका उनका, भी तो बस यही, यहाँ भी इसका भी जब समय आएगा तो होगा। वो नहीं देख रहे, तो वो उनकी मर्जी है, और मैंने उन लोगों को तो बता दिया सर, उन लोगों तो को छोड़िए, हमने अभी कहा ना आपसे कि इस दुनिया में नेगेटिव सोच रखने वाले लोग मैक्सिमम है, थोड़ा सा भी कुछ भी ऊपर नीचे हुआ बस उनको जो है सारी दुनिया खत्म नजर आती है, तो वो लोग ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ने वाले हैं, ना आरटेट पढ़ने वाले हैं, ना उनको कोई खबर है एचईसीआई का, उनको कुछ भी नहीं है, तब पता है वो अपने ही दुनिया में बस जी रहे हैं, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं, उनको बस सीधा सा हमको नौकरी नहीं मिली तो मतलब कुछ नहीं हो रहा उनके हिसाब से, तो यही नेगेटिव यही लोगों को कहते हैं छोड़ वो। दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस जो है जैसे आज सुबह हमने डाला है वीडियो, काफी लंबी बातचीत हुई है, उसमें डिटेल चर्चा हुई है,
वो जो है डाल आज दीजिएगा। का ऑडियो मैंने देखा नहीं है, मैं देखूंगी इसको, आज की ऑडियो जो आपने डाली है। मतलब जो है जिस चीज का बेसब्री से इंतजार है उस पर जो अपडेट दिया जा रहा है वो भी नहीं सुन रही हैं हम। नहीं सर, मैं डेली ऑडियो सुनती हूँ और लाइक करती हूँ। मेरा ऐसा डेली का मतलब कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं ऑडियो नहीं सुनती हूँ। आज देखा नहीं हुआ, मैं कितने ये काम में यूट्यूब बिजी पर, थी यूट्यूब आप ही हैं क्या? जी। अच्छा, हमें लग रहा था कि आप ही होंगी। हाँ मैं ही हूँ। क्योंकि कोई कमेंट, शक सर? नहीं, कमेंट से लगता है ना कि नहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कभी बात हुई है। कमेंट नहीं से नहीं अब अननोन व्यक्ति कोई कमेंट करता है, कोई जानने वाले जा नहीं बातचीत हुई है वो कमेंट करता है, तो नहीं सर, मैंने आपको एक बार उस पर भी उस पर सॉरी ये व्हाट्सएप पर भी मैंने आपको मैसेज किया था, अपना नेम भी बताया था, और एक बार मैंने आपको यूट्यूब तो ऐसे पर तो नाम ओरिजिनली आपने जो बातचीत बताया, हुई थी। ऐसे जो नाम आपने बताया है वो तो नाम अलग है, वहाँ पर यूट्यूब पर नाम अलग है, इसलिए थोड़ा सा कंफर्म कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। चलिए व्हाट्सएप कोई पर बात नाम नहीं, कहाँ अलग है? अब जो भी है नाम हमने जो सेव कर लिया आपका नंबर उस दिन, आप शायद बताई थी कोई नाम, चूंकि बार बार आपसे बात हो रही थी तो नंबर हमने सेव कर दिया था जो नाम आप बताई थी। अच्छा, वो जो है मेरा घर का नेम है, इस तरीके से डाल रखा हुआ आपने, क्या डाला है आपने व्हाट्सएप पर? अब याद तो नहीं है, अभी आपने दूसरे नंबर से कॉल आप बात कर किया रहे हैं, आप देख के बता दीजिए। है। चूंकि इतने सारे लोग हैं तो बहुत सारे लोगों के सर नंबर उस सेव बात हो का तो गए हैं। जवाब दीजिए जो अभी आप बात कर रहे हैं आपका आपने। नाम रुखिया, RUKHAIYA। रुकैया खान? हाँ, इस नाम से नंबर वो सेव आपका जिससे अभी व्हाट्सएप पे कॉल कर रही थी। अच्छा, इस नाम से वो आईडी बनाई थी भाई ने, अब जो तो भी है हमें इससे क्या मतलब, किसका क्या नाम है, जो भी नाम था हमने नहीं सेव कर मेरा दिया जो, पहचानने के लिए सिर्फ। अच्छा, इस नाम से आईडी बनी हुई होगी, पहले फोन वगैरह लिया था भाई ने, तो इस नाम से आईडी हुई, जो मेरा नाम है यही है जो इस नाम से चलिए मैं नाम से आपको क्या बता फर्क रही हूँ। पड़ता है, आपसे पहली भी बात हुई, आपने आप जैसे कॉल मैंने करती अपना हैं। परिचय आपको दिया है और इसमें क्या शक है? मैं अलीगढ़, अलीगढ़ मेरा जिला है, और दो तीन बार मेरी बातचीत हुई है, मेरी अरे सिस्टर बिल्कुल, है, आपकी आवाज अब पहचान जाते हैं, मेरी पहले भी एक बात हुई छोटी है। सिस्टर भी है। हाँ, दोनों लोगों ने जो है टीचिंग फील्ड में दोनों लोग हैं ना, और उनका आपने NIS डीएलएड किया है उनका भी यही या दूसरा कुछ डीएलएड है, उनका डीएलएड है? डीएलएड है। हाँ सर, वो तो बहुत परेशान सी रहती है, वो ये रहती है ये पता नहीं हमारा कब होगा डीएलएड वालों का सुपर टेस्ट। सर तो कुछ बताते नहीं है, वो अपनी उम्मीद भी ऐसी वो उनसे कर रही है, उनसे पूछिएगा कि घर में जब किसी के और घर डरती और है सर आपसे बात करती मैं। तो कह दीजिएगा बात कर लेंगी, और उनसे एक सवाल कीजिएगा कि घर में जब कहीं से शादी विवाह का या बर्थडे पार्टी का कार्ड आता है, कोई निमंत्रण देता है, तो क्या वो घर में खाना खाना बंद कर देती हैं, क्या उसी दिन खाएंगे वहां जाकर सीधे, ऐसा होता है क्या उनके साथ? नहीं ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे कैट उन्होंने देखो, उन्होंने यूपी कैट भी कर लिया, क्लियर सुपर कैट, तो वो उनसे आईपी कहिए, कैट भी कर लिया, तो उनसे और कहिए अपना गवर्नमेंट को जो कुछ करना है वो अपने टाइम पर करेगी करेगी। अब आपका फर्ज बनता है कि आपको जो करना है आप करते रहिए, गवर्नमेंट को जब जो करना होगा वो उस दिन करेगी, तो अब मुझसे इसमें। कह रही थी, ये कह रही थी मुझसे अपी, मैं जो है ना ये 2024 ये और देख रही हूँ, एक साल फिर मैंने इसके बाद कहाँ जाने वाली हूँ, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ चले जाएंगे, बस ये वाला साल और देख रहा है। लाइफ जो और है नेगेटिव उनसे कह दीजिए कि 60, 70, 80 साल या सौ होती साल रहती है या सर, क्योंकि है ना ये ऐसा है सर, 2017 हाँ 17-19 वाले बैच की हैं, और अभी तक वो रेगुलर डीएलएड किया उनका, अभी तक मतलब अभी तो तक कोई उनसे वैकेंसी पूछिए, जब आई वो नहीं रेगुलर है। डीएलएड की हैं, अभी केवी की भर्ती हुई, क्यों नहीं एक पद ले लें, केवी में नहीं, हाँ केवी में उन्होंने लेना चाहिए किया था, डाला नहीं था। बिहार में भी भर्ती हुई, वहां क्यों नहीं ले लें एक पद, लेना चाहिए था। अगर जल्दी है जिसको तो कहीं ना कहीं वो उसे ट्राई करना चाहिए, और हो जाएगा, लेकिन ट्राई करेगा तब ना। अब बैठ कर कोई सिर्फ इंतजार करेगा, बहुत सारे लोग हम बैठ कर इंतजार कर रहे हैं, प्राइवेट भी नहीं कर रहे हैं, तो बैठे नहीं, रहेंगे तो बैठने से थोड़ी तैयारी कुछ कर होगा। रही हूँ, प्राइवेट जॉब कर रही हूँ इस समय। हाँ, तो बस यही तो हम कहते हैं कि अर्निंग होनी चाहिए, कोई ना कोई काम धंधा करते रहे, चाहे टीचिंग में चाहे कोई भी, उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, यही तो करना है। बाकी अगर किसी को जो है उम्र हो गई है, शादी करना है या और कुछ करना है, तो भाई ये चीजें गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से चलेंगे, और जो जिसको जो करना है अगर वेट कर सकता है तो रुक करके वेट करे, नहीं तो वो भी करके आगे बढ़े लाइफ में, आगे जो होना होगा वो तो होता ही रहेगा सब कुछ।
यही तो है सर, हमारा भी अगर हमारा जो है ना अब ये वाले चांस में 2024 तक, मतलब हमारी मम्मी बोल रही थी देख लो हो जाए तो सही है, मेरे सही बोला था, फिर इसके बाद तो फिर देखेंगे तुम्हारा कुछ, तो फिर जो है फिर कोई मतलब जॉब वगैरह कोई कराएगा नहीं, मैं सोच रही थी इसी में कल्याण हो जाए जो कुछ होना है दो तो हजार हो चौबीस में। जाएगा, ये HECI जैसे ही बिल पास हुआ इसके बाद सब कुछ होते हुए नजर आएगा। तेजी से पॉजिटिव रहिए, और हाँ इंटरव्यू डेमो हो सकता है इसलिए कहीं ना कहीं पढ़ाते रहिए ताकि डेमो की तैयारी चलती रहे, पढ़ाई करते रहिए ताकि इंटरव्यू की तैयारी चलती रहे, अच्छा, बैठे इंटर ना वन रहिए। टू फाइव तक का मतलब कवर कर लेंगे सर, जैसे हम हाँ पढ़ाते तो नहीं है ना, वन तो टू फाइव का जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से तो मतलब इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो जैसे भी जो भी पॉसिबल है वो पढ़ाई जो है 1 to 5 का, अगर आपको इंटरव्यू फेस करना अगर होता है तो आपको 8 तक का सिलेबस कवर करना पड़ेगा, सिर्फ 5 तक का नहीं, 5 तक का तो आना ही अच्छा चाहिए, थोड़ा एडवांस भी हो। और डेमो के लिए हर हाल में पढ़ाते रहिए ताकि हैबिट में रहे, ठीक है। अच्छा हाँ तो जैसे सिस्टर पढ़ा रही हैं, अगर आप नहीं पढ़ा रही हैं तो आप भी पढ़ाइए, मम्मी से कह दीजिए कि जो है डेमो होगा और डेमो में क्लास में पढ़ाना होता है, और वहाँ पर अचानक हम जा करके पढ़ाएंगे नर्वस हो जाएंगे, लिख नहीं पाएंगे बोर्ड पर, क्लास मैनेज नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है कहीं भी जॉब मिलती है पेमेंट चाहे कम हो ज़्यादा हो जैसा भी हो पढ़ाते रहिए, जब भी मिल जाए ज्वाइन कर लीजिए जितने पेमेंट पर मिलता है, ठीक है, बैठे ना अभी रहिए। अच्छा हाँ, क्या अभी अभी वो मैंने ड्रॉप कर दिया है स्कूल जाना, क्योंकि है ना मम्मी से काम वगैरह होता नहीं है, इसलिए मुझे ही करना पड़ता है सारे घर का काम, तो वो छोटी सिस्टर चली जाती है जॉब पे, तो फिर एक रुकना भी तो चाहिए घर पर, इसलिए जो है मैं चली जाती हूँ तो फिर वो रुक जाती है, बहुत समस्या है, इस वजह से कुछ भी काम नहीं कर पाती है वो। एक बार मैंने अगर आपसे पहले बात की थी, अगर जॉब ध्यान होगा, करेंगी, अगर जॉब करेंगी पेमेंट लगभग कितना मिलेगा, पहले कितना मिलता था, सर पहले मतलब 7,000 देते थे 7,000 ना। और 1,000 उसका कन्वेंस का भी मतलब कट जाता था। चलिए तो मतलब जो भी है 6-7 हज़ार रुपये मिल रहे थे, और सुबह जाना शाम तक आ जाना, सुबह जाने से पहले सारा काम करके चली गई, शाम को आने के बाद सारा काम कर ली, बीच में का जो टाइम था वो मैनेज करना था। तो अगर जो है दिक्कत हो रही थी तो आजकल जो है लोग क्या करते हैं अपने हैंड को बढ़ाते हैं, आपने टाटा का नाम सुना होगा, रतन टाटा, तो उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, करोड़ों की है, अरबों की है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारा काम करते हैं, क्या वो अपने दो हाथ से करते हैं सारे काम, नहीं ना, उन्होंने अपने हैंड को बढ़ाया। तो आज से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने दो हाथ से सब कुछ नहीं होने वाला, दिमाग से होगा। रतन टाटा अपना दिमाग चलाते हैं, हैंड जो है दूसरे का यूज करते हैं, उनकी कंपनी में हजारों लाखों लोग काम करते हैं, तो जो हाथ से काम करना है वो किसी और से करा रहे हैं, दिमाग वाला भी काम करने के लिए कुछ लोगों को रखे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी वगैरह बना करके, बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी चल रही हैं, क्या वो डेली जा रहे हैं क्या हर चीज देखने, नहीं, ऐसे ही जो है अपना दिमाग चलाइए, कमाइए ज्यादा, अगर घर में कहीं कोई काम है तो उसके लिए आजकल जो है चाहे घर की साफ सफाई करनी हो, किचन में काम करना हो, 1,000, 2,000, 3,000 में लोग मिलते हैं, तो आप कमाइए 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 रुपये खर्च कर दीजिए, किसी को रखे तो हैंड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, किसी को रख देंगे कि सफाई करना है घर में, झाड़ू पोछा, और जो है बर्तन बर्तन धुलना है, सफाई वाला काम किसी और से करा लें, 1,000, 2,000, 3,000 दे दें तो काम सर आसान हो वो जाएगा सब कि नहीं। कुछ वो तो हो जाएगा, वो सब कुछ जानता है इंसान कि क्या करना है क्या नहीं है, सब वो मतलब दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, लेकिन एक बात तो समझिए क्या कहते हैं वो इतनी कंडीशन भी नहीं हो पाती है, कभी कभी गिर जाती है वो, मतलब अच्छा कहीं गिर हेल्थ इशू जाती है, है हाँ, तो अच्छा उन पे अच्छा चलते चलते परेशान हो जाती है, अब वो मतलब रोटियां भी नहीं बना पाती, मैं बनाती हूँ नहीं तो और उनको सारा कुछ काम। एक काम, बार मैंने आपसे पहले बात की थी, पहले 2 महीने हो गए करीब, तो अच्छा आप हाँ मैं किसी बारे में पूछ रही थी कोई तो ये योजना वगैरह बताइए की। दोनों लोगों की जॉब अगर लग जाएगी और घर से मान लीजिए 50, 100, 200 किलोमीटर दूर मिलेगी तब कैसे करेंगी मैनेज। तो तब हम कहते तो हैं भाई की बहू लेके आएंगे हम, जल्दी शादी करो तुम भाई तो जो भी की ऑप्शन हैं उन पर अभी से लग जाइए ना, और क्या, कुछ चीजों से मम्मी से बचा ही नहीं बोला जा है, सकता। और क्या हमने मम्मी से बोला है, मम्मी कह रही है पहले तुम्हारी करूंगी, तुम तो लड़कियों की करूंगी पहले।
अच्छा, तो जो भी है देखिए, ऑप्शंस पर विचार तो मैं समझ रहा हूँ सर, करके मैं खुले दिल की हूँ, सब कह लेती हूँ, मेरे मन में ऐसा कुछ वो नहीं है, मैं जो ऐसा भी है। होना, ऐसा ही होना भी चाहिए। तो जो भी है चीज़ों को देखिए, जो है अब घर में अगर किसी का हेल्थ इशू है वो तो जरूरी है कि देखना है, लेकिन वो भी जरूरी है और साथ ही आपका भविष्य जो है, आपका करियर जो है वो भी तो जरूरी है ना। सही बात है, वो भी बहुत जरूरी है। मैं यही कहती हूँ अपनी छोटी सिस्टर से भी कि अभी जो है 2024 है या अब आने वाला, तुमने जब इतना तैयार करा ये कर लो, देखो तुम्हारी शादी हो जाएगी या तुम, ये तुम्हारी डिग्रियां एक महज रद्दी का कागज बन के ना रह जाए, है तो अब तुम्हारे ये एग्जाम बताइए, कराएं या नहीं कराएं, वो बार बार नेगेटिव हो रही है। ये बताइए, अभी अगर आप हाँ सिर्फ बर्तन धुलने के लिए किसी को रखेंगी, वो आएगी घर में आधे घंटे एक घंटे जो भी टाइम, देगी कि नहीं देगी? क्यों नहीं देंगी सर, तो अब वो पैसा लगभग आपके क्षेत्र में कितना, अगर मान लीजिए 2 वक्त आना हो, बर्तन धुलना हो, कितना लेगी वो, कोई लेडीज वही ऐसे कोई लेंगी, लड़की 2-3 हज़ार रुपये ले लेंगी अगर बर्तन और ये पूरी घर की सफाई घर वगैरह। की सफाई बर्तन वगैरह जो भी, 2-3-4 हज़ार रुपये देंगी। तो आप इस हाँ तरह से क्यों नहीं सोचती हैं कि घर में आप लोग जॉब पर चली गई, डेली तो जॉब रहती नहीं है, संडे को छुट्टी है और भी समय समय छुट्टियां रहती हैं, तो जब आप लोग घर में नहीं होंगी तो भी वो रहेगी और आप लोग जब रहेंगी तब भी हैंड बढ़ जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रही हैं? अब भाई भी है ही, तो सर भविष्य मैं में ये चीज पॉजिटिवली सोचती तो हूँ, भविष्य में भी ये कंडीशन आने वाली है कि जब गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी तो घर में तो मिलेगी नहीं बिल्कुल, बाहर ही रहेंगी। अगर घर के बगल में भी रहेगा 5-10 किलोमीटर के आसपास, तो भी तो जो वर्किंग आवर्स होगा उसमें तो स्कूल में ही रहना पड़ेगा ना। हाँ सर रहना पड़ेगा, तो ये ये सब सब कुछ चीजें तो सोच के आगे भी चलती होनी हूँ है, मैं, तो ये ये सब सब चीजें कुछ आगे सोच के होनी ही चलती है। हूँ। तो हाँ आज से ही होनी सोचना है शुरू करिए ना कि अगर 7 हज़ार रुपये की नौकरी लेकिन, कर रही हैं उसमें से 3-4 हज़ार खर्च कर देंगी तो भी क्या दिक्कत है? सर ये भी सोच के चलिए, देखिए आपकी मम्मी होंगी, आप ये सोच के चलिए घर पे देखने वाला भी कोई, उनके लिए देख रेख करने वाला भी कोई जरूरी होना चाहिए, किसी पे ट्रस्ट करना ऐसे ही नहीं है आजकल, समझ रहे हैं आप। सारी बातें सही हैं, लेकिन फिर वही आ गया लेकिन, कि आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा, हाँ बहुत वो सारी बात चीजों को सही है। मैनेज तो करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। रतन टाटा खुद जो है इतने बूढ़े हो चुके हैं, उनको हेल्थ इशू है, उनका न परिवार है न बच्चे हैं, आपको पता होगा कि उन्होंने शादी नहीं किया है और उनके बच्चे भी नहीं है जब शादी नहीं हुई है तो, और वो तो उनकी है एज ही। आप देख लीजिए, उनका वीडियो कोई देख लीजिए कैसी कंडीशन हो गई है, लेकिन इतना बड़ा अम्पायर वो चला रहे हैं, इतनी सारी कंपनियां चला रहे हैं, उनके भी घर में कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उनका सारा काम हो रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है? उन्होंने हायर कर रखा है लोगों को हर काम के लिए। हाँ अभी रतन टाटा एक कंपनी का IPO लॉन्च किए हैं, शेयर बाजार का नाम सुनी होंगी, शेयर मार्केट, तो वहां पर उनका एक जो है टाटा का IPO लॉन्च हुआ, पूरे भारत, भारत ही नहीं भारत के बाहर के लोगों की मतलब एकदम उमड़ पड़े खरीदने के लिए, उसका दाम रखा गया था 500, इतने लोग आगे खरीदने वाले, लेकिन लिमिटेड था, लिमिटेड लोगों को मिला, जिस दिन वो खुला उसके अगले दिन ही उसका दाम 3 गुना हो गया, 500 से 1500 हो गया और लगातार बढ़ता जा रहा है। सोचिए रतन टाटा जो कि इस उम्र में है, लोग उन पर अभी भी इतना भरोसा कैसे कर ले रहे हैं? उनके साथ भी तो हेल्थ इशू है, उनकी भी तो एज हो गई है, उनका तो देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है परिवार में। तो इस एज में वो अकेले खुद कर रहे हैं इतना। तो पॉजिटिव सोचिए, 5-10 हज़ार की नौकरी करेंगी, अगर आप जो है नौकरी करेंगी, किसी को हायर कर लेंगी, किसी को भरोसा करेंगे, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो है चोर है या गलत है, आप जिसको भी रखेंगी घर पर तो जांच परख करके रखेंगी, जानने वाले को रखेंगी, लोगों से पूछ करके रखेंगी, और धीरे धीरे जो है पता चल जाता है कौन कैसा है, तो उतना ही उसको छूट दिया जाएगा, लिमिटेड चीजें उससे कराई जाएंगी, फिर धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ता है। इतना अगर डर करके जियेंगे तो फिर जीने का फायदा क्या है? डर नहीं करके नहीं नहीं जिया ऐसे जाता, नहीं तो नहीं जो भी जिया आएगा जाता। अच्छा होगा, ये मान कर चलिए। दुनिया में जो है अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, बुरे कौन हैं? जिनको मौका मिलता है, तो मौका मत दीजिए ना भाई। घर में ताला क्यों लगाया जाता है, तिजोरी में ताला क्यों लगाया जाता है? चोर के लिए नहीं, शरीफ लोगों के लिए लगाया जाता है। चोर का क्या, चोर तो ताला नहीं तोड़ देगा क्या? सही बात है। आप घर से बाहर कहीं जाइए ताला लगाकर, तो क्या चोर ताला तोड़ के घर में नहीं घुस सकता है? घुस सकता है। तो ताला शरीफ लोगों को लगाया जाता है ताकि उनका ईमान न खराब हो, नहीं सही तो बात ताला है, खोल करके जाएंगे और शरीफ लोग भी जो है उनका भी मन डोल जाएगा, आकर के चोरी करके चले जाएंगे मन तो उनका भी खराब हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा। आप सिर्फ जो है आपके आसपास जहां भी शरीफ लोग रहते हो,
उस रास्ते से गुजरिए, 100 का नोट गिरा दीजिए नीचे, और थोड़ी दूर जाकर के बस देखते रहिए, जिनको आप शरीफ मानते होंगे अगर आसपास होंगे तो वही आकर पहले उठाएंगे और रख लेंगे जेब में। पैसा और ये सब चीजें जहां भी छूट मिलेगा, कोई भी किसी भी तरह का, जिसको भी मौका मिलेगा, कोई भी मौका छोड़ता नहीं है, कितना भी शरीफ हो। बहुत रेयर केस में इक्का दुक्का कोई ऐसा होगा बहुत शरीफ होगा, सच में होगा। नहीं तो जिसको भी मौका देंगी तो मौके का तो फायदा उठाएगा। उठाएंगे। न हो भरोसा तो आपके पास जो भी गोल्ड का चीज है, सड़क पर एक बार रख करके 10 मिनट के लिए अंदर घर में आ जाइए। सही मिलेगा बात दस है, ये भी दस मिनट है। बाद नहीं मिलेगा वो। मिलेगा अभी मोबाइल अपना जो है कहीं जो है बाहर कहीं भी जाइए, किसी दुकान पर या कहीं भी छोड़ करके सर। आधे घंटे बाद जाइए, फिर आपको पता होगा कि हम यहीं छोड़ गए थे, इसी दुकानदार के पास होगा, लेकिन वो नहीं देगा आपको, मैक्सिमम ऐसा ही नहीं, होगा। वैसे 2 बार मेरा मोबाइल दुकानदार की दुकान पर है भी गया ना, तो इतने इतने रेयर केस में मेरा मतलब मोबाइल, बहन जी आपका मोबाइल मतलब 2 बार ऐसा मतलब हम ये फॉर्म नहीं कह वगैरह रहे में कि भर रही हम थी। ये नहीं कह रहे और कि सारे लेकिन हाँ, लोग ऐसे हैं। ज्यादातर केस यही है जो आप बता हाँ रहे हैं कि कोई ऐसा देगा नहीं सर मोबाइल। खैर, तो हम नेगेटिव होने के लिए नहीं कह रहे हैं ये बातें, कि आप मौका मत दीजिए किसी को। आपके हाथ में मोबाइल है तो आप केयर मौके से कीजिए होता कि है। हाँ आप केयर कीजिए कि जो है ये कहीं छूटने ना पाए। नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि मिल ही जाए, मिल गया आपकी किस्मत अच्छी कि अच्छा व्यक्ति था, तो मौका मत दीजिए। तो घर में किसी को जो है रख दीजिए, जॉब अपना कंटिन्यू रखिए, पॉजिटिव सोचिए। आप दो बहन हैं, भाई हैं, एक जो काम करेगी लेडीज तो वो भी रहेगी, तो घर में आना जाना हर वक्त किसी न किसी का लगा रहेगा ना। हाँ वो रहेगा, लेकिन अब जो मम्मी है ना डिसाइड कर ली है, अब वो ये सोच रही है कि मतलब मैं तो करती थी पहले जॉब, तो छोटी वाली सिस्टर नहीं करती थी। अब वो यही सोच रही है कि अब तुम्हारी शादी करेंगे और जो है देख लो जॉब वगैरह। तो मैंने उनको मना कर दिया, बस चलो ठीक है तुम्हारे कहने पर मम्मी 2024 और देख लेती हूँ। मैं ही उनको थमा थमा के रख रही हूँ बहुत चलिए, ज्यादा। वो तो भाई हमने पहले ही बोला हाँ ना शादी वाला क्योंकि मैटर, कि जो चीज करना है तो उसमें आगे बढ़िए ना। ये चीज अगर करना है तो फिर वेट क्यों करना है, शादी कर लीजिए तो उसके बाद भी तो जॉब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शादी में क्या दिक्कत नहीं है। सर, शादी हो जाएगा ना फिर जो है फिर ऐसा है बहुत मुश्किल सी पड़ जाएगी, जो आप करवाने नहीं देंगे। तो और जो चलिए जो कंडीशन है भी है सर, तो फिर मैं पॉजिटिव सोचिए ना, शादी हो जाएगी, आप यहाँ से चली जाएंगी। हमेशा सुनिए पॉजिटिव सोचती हूँ, सुनिए नेगेटिव नहीं सुनिए, सोचती हूँ। मैं हमेशा लोगों को पॉजिटिव सोचना सिखाती हूँ। हाँ तो सुनिए, शादी हो जाएगी, आप जहाँ भी जाएंगी साल में एक बार दो बार चार बार आना जाना होगा मम्मी के पास, है ना। और तब जो है मम्मी का ख्याल कैसे रखेंगी, तब तो आप बहुत दूर होंगी, तो ये सब चीजें तो फेस करनी है आने वाले टाइम में ना, कि जॉब दूर हाँ लगेगा सर तो भी, करेंगे। शादी हो जाएगी तो भी, मम्मी को तो छोड़ना ही है ना, हाँ तो जॉब क्यों छोड़ दें। कुछ दिन के लिए छुट्टी ली होती, तभी ज्यादा दिक्कत था, कुछ दिन मैनेज की होती, फिर वापस जॉब पर जाती, ये सोच लेते हैं कि किसी को जो रख लेते हैं झाड़ू पोछा और बर्तन वर्तन के लिए, उससे क्या होगा आप लोग को भी आराम हो जाएगा, वो काम कर देंगे तो आप लोग भी फ्री रहेंगे, जॉब अपना फ्री होकर कर पाएंगे। तो ये तो जिस चीज की आप बात की हैं थोड़ी देर पहले कि मम्मी की हेल्थ इशू है, तो आज भी है, और आपकी शादी हो जाए चाहे आपकी जॉब लग जाए वो तब भी रहेगा, आपको मैनेज तो करना ही है। तो वो चीज़ अभी से सोचना शुरू कीजिए ना, जॉब मिलता है फिर से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके करियर में कोई दिक्कत ना आए, आपका कंटिन्यू कहीं ना कहीं चलता रहे, जॉब डेमो वगैरह तैयारी होती रहे, उसमें दिक्कत ना आए। पैसे खर्च करिए, और पैसे होते ही हैं खर्च करने के लिए, इसमें हाँ संकोच मत कीजिए। सही है सर, जो पैसा खर्च करता वही आगे बढ़ता है, जो कंजूसी करता वो आगे नहीं बढ़ता, कभी नहीं बढ़ता। अगर सही बात है। मतलब रतन टाटा इतना आगे गए हैं, ये देखते कि अरे एक एक व्यक्ति को हम 50,000 1 लाख रुपया सैलरी दे रहे हैं, तो वो कभी नहीं आगे बढ़ पाते। वो लोगों को सैलरी देते देते आज हजारों लाखों लोगों को सैलरी दे रहे हैं और टॉप पर हैं इस वक्त। तो चाहे तो रतन मैं तो टाटा हो चाहे अंबानी हो, ये लोग जो है अपने हाथ से कोई काम नहीं करते हैं, अपने दिमाग से काम करते हैं, लोगों से काम करवाते हैं। सर तो मेरा तो यही है, क्या कहते हैं, मैं अपनी जॉब जो है अब जो मैंने छोड़ दी है, अभी फिलहाल नहीं जा पा रही हूँ मैं। और मैंने मम्मी से बोल दिया, मेरी सिस्टर तो फिर कह रही थी कि चले जाओ, इनके स्कूल में भी वैकेंसी थी और जहाँ मैं पहले पढ़ाती थी वहाँ भी सर ने बोला था कि मैम आ जाइए। मैं अभी जा नहीं रही, मम्मी की तबीयत फिलहाल ज्यादा ही खराब है ना इस वजह से कल सर। बात कीजिए स्कूल में, हाँ जहाँ भी मैं सिस्टर के स्कूल में या जहाँ भी पेमेंट हाँ मैं जहाँ बात लग रहा हो ज्यादा करती हो, कल हूँ बात उनसे। कीजिए। और कल ही किसी हाँ से बात, जब जॉब का फाइनल हो जाए तो फिर तुरंत बात कर लीजिए, कहीं आस पास ढूंढ लीजिए किसी लड़की को या किसी लेडी को घर में काम करने के लिए, अगर हाँ झाड़ू पोछा ये के लिए भी मिल मैंने जाए, सर बर्तन के लिए को मिल भी जाए। बताया
आप इस तरीके से बताते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं हमें, और हम पीछे जाते हैं आप हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हमें यही चीज अच्छी लगती है कि हम नकारात्मक अगर हर जब भी हो रहा समस्या है तो आप का, हमें सकारात्मक कर देते हैं। हर समस्या का हल ढूंढिए ना, हर समस्या का हल ये हाँ नहीं है बैठना। हाँ सही बात है। अगर मम्मी की हेल्थ इशू लेकर आप बैठ जाइए, मम्मी की हेल्थ इशू लेकर घर में दिक्कत हो रही, हम अकेले कैसे संभालेंगे, मम्मी को बहन को भी कह दीजिए बैठ जाए, तो क्या होगा, कमाई तो रुक गई, अब दवा कहाँ अच्छा से आएगा, पैसा नहीं रहेगा तो, पैसा तो चाहिए ना। तो अब और हर सर वक्त वैसे इनका, हमारी जो सिस्टर है वैसे इनका भी बताइए आप, इनका भी वैसे कब तक तो होगा सब तो सुगर बताते ही टेस्ट? रहते हैं उनको, कहिए ना अपडेटेड रहें, सारी चीजें सुनती रहें, सारे लोगों से बात होती है, उनको पहले कहिए किसी दिन जो है वो भी बात करें, तब उनको बताएंगे सारी चीजें, उनका उनकी प्रॉब्लम उनसे शेयर होगी ना, क्या सलूशन है, वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे ना कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है उनको, क्या नहीं समझ में आ रहा है, सुपर टेट मतलब कब तक होगा ये बताइए। सब उनको, उनका टॉपिक उनसे, उनको कहीं जो है बात करें, नहीं तो सुनती रहें यूट्यूब पर, सारा तो चर्चा होता ही रहता है, सुपर टेट भी होने जा रहा है, नया आयोग यूपी में बन रहा है, गठन उसका अखबार में न्यूज आया था। मैंने उससे ही बुला दी, आप ही पूछना सर से, मैंने कि चलो मैं पूछ के ही बता दूंगी। हमें लगता है एक आध बार उनसे भी बात हुई है मेरी, हुई है उनसे भी। तो फिर जब बात की है तो फिर क्या दिक्कत है बात फिर से करने में। मैंने कहा है उनसे तो पता नहीं, वो यही कहती है सर से आप पूछ लेना। अच्छा चलिए, तो ये तो हो गया HECI का, ये केंद्र का हो गया, अभी यूपी के अंदर भी शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन आरंभ हो चुका है, वो भी जो है दिसंबर लास्ट या जनवरी तक जो है वो काम करने लगेगा, उसके बाद जो है मैक्सिमम मान के चलिए कि फरवरी मार्च तक जो है भर्ती आ जाएगी, सुपर टेट भी और वर्षवा जो नियुक्ति बताते हैं वो भी होना है, तो वो सब भी जो है थोड़े ही समय में शुरू हो जाएगा। अच्छा फरवरी के बाद। जनवरी के बाद जब भी सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, बस इंतजार जो भी है ये दिसंबर जनवरी, इसमें अच्छा आयोग का जब काम भी देख, होना है। अच्छा अच्छा जब भी आएंगी भर्तियां जो भी आएंगी है ना। अच्छा सुपर टेट जैसे सुपर टेट कब भी तक आएगा? होगा, सुपर टेट भी होगा और वर्षवार नियुक्ति भी होगी, तो सुपर टेट जो है वो आप मान के चलिए कि जनवरी बाद कभी भी आ सकता है, कभी भी फरवरी मार्च जब भी, क्योंकि जैसे नया आयोग बन जाएगा तो आएगा, कंफर्म है, अच्छा और आयोग जो है वो मैंने जनवरी मैंने तक हो उनको एक जाएगा। बार बताया था, कहते हैं वर्षवार नियुक्ति में आप लिए जाओगे, अपनी सिस्टर को बताया था मैंने, तो मुझे ये पता नहीं था कि 11 से 18 वाले जो पुराने वाले कैंडिडेट है ना तो उनको ही लिया जाएगा। मुझे इनकी पता तो नहीं था, इनका उनसे सत्रह से उनसे उन्नीस कहिए वाला ना, बैच है। अब ये मुझसे यही वाली बात बोलती है, कहते हैं तुमने मुझे ये बताया था कि, तो फिर मैंने इनसे ये बोला कि हाँ मतलब जो विज्ञापन निकलेगा उसमें सबको लिया जाएगा, लेकिन पहले जो चरण में इतने भरे जाएंगे आप बताते हैं ना। उनको उनको कहिए ना यूट्यूब पर सारी जानकारी जो दी जाती है, लोगों से बातचीत होती है, वो सब सुना करें, सुनेंगी नहीं तो कैसे समझ पाएंगी, हाँ सुनती तो है वो, अब तो सुनती हैं तो फिर क्यों इतना डाउट है। जो है ना वो थोड़ी नेगेटिव इसी चीज से हो रही है, लेकिन मैं तो डेली सुनती हूँ, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है सर, मैं डेली अपडेट सुनती हूँ आपकी। अच्छा तो जाइए, आज वाला जो NSDL का आपने नहीं सुना है वो सुनिए, उसमें आज काफी आज चीजों का, आपने NSDL का डाला होगा, वो नहीं देखा है मैंने। हाँ तो जाइए देखिए, और उसमें जो है काफी डिस्कशन हुआ है हर बिंदु पर। अच्छा तो चलिए ठीक मैं है, रख उसको देखूंगी। चलिए फिर सर। तो रखें फिर। हाँ सर ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट।